भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने का फैसला किया है। देश के हर भाग में एक राज्य से दूसरे राज्य तक आवश्यक वस्तुओं और दवाओं को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर बखूबी निभा रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक आवश्यक वस्तुओं और दवाओं को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही ढाबों को सुरक्षा और सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने ग्राउंड जीरो से इन ढाबों की व्यवस्था का जायजा लिया और देखा कि वहाँ सुरक्षा मानकों, खासकर एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है या नहीं। घंटे में कितने लोग आ जाते हैं? ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे या कोई कार वगैरह? 60-70 आ जाते हैं। ज्यादातर कब आते हैं? दोपहर में, शाम को। दोपहर और शाम को आते हैं। तो आप लोग उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हो? किस तरह से बिठाते हो? दूर दूर के दूर बिठाते हो? बना के सोशल डिस्टेंसिंग करानी है, लोगों को दूर बिठाना या ध्यान रखना है ना? सैनिटाइज करा देते हैं। चलो ठीक है, आते ही। ठीक, धन्यवाद। ट्रक ड्राइवर खाना खाने के लिए रुकते हैं यहाँ पे? मतलब 24 घंटे में लगभग कितने लोग रुक जाते होंगे? घंटे में लगभग 20 भी रुक जाए, 15 भी रुक जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हो उनसे? हाँ जी। दूर दूर उठाते हो? दूर दूर पे उठाते हैं। जैसे एक घर बैठ गया, एक बैठ गया। हमारी के इस दौर में ट्रक ड्राइवर हमारे कोरोना योद्धा हैं। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इनका सहयोग करें ताकि हम तक आवश्यक वस्तुएं आसानी से पहुंच सकें। एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें।